यह पाठ वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन की संघर्षमय जीवन यात्रा तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी हमें देता है। जिस प्रकार न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब के रहस्य को सुलझाया था, उसी तरह सर वेंकटरमन ने समुद्र के नीले जल के रहस्य को सुलझाया। सन 1921 में एक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र के पानी को देखकर आपके मन में प्रश्न जागा कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। इसी रहस्य को सुलझाकर आप विश्व विख्यात बन गए। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापिल्ली में हुआ था। इनके पिता गणित तथा भौतिकी के शिक्षक थे। उन्हीं ने रमन के अंदर वैज्ञानिक रुचि जगाई। रमन का मन हमेशा रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। वह अपना जीवन शोध कार्यों में लगाना चाहते थे, लेकिन उस समय शोध कार्य को करियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मात्र 18 वर्ष की आयु में वह कोलकाता में भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। कलकत्ता में नौकरी के दौरान भी आप वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े रहे। ऑफिस के बाद इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक प्रयोगशाला में जाते और प्रयोग करते। यही आपकी मुलाकात डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार से हुई। उसी समय उन्होंने वाद्य यंत्रों का भी अध्ययन किया और इस भ्रांति को तोड़ने का प्रयास किया कि विदेशों की तुलना में भारतीय वाद्य घटिया है। उन्हीं दिनों सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्हें रमन की प्रतिभा के बारे में पता चला। उनके अनुरोध पर रमन वित्त विभाग की नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। अब वे पूरी तरह शोध कार्य में लग गए और इस शोध का परिणाम विश्व को रमन प्रभाव के रूप में देखने को मिला। रमन ने ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश के किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस रवों तथा तरल पदार्थों से गुजरने पर उनके रंग में कुछ परिवर्तन ला देती है। जिस रंग में जितनी अधिक ऊर्जा होती है उसमें उतना अधिक परिवर्तन होता है। इस खोज से क्रांति हो गई। उन्हें विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रमन को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। वे शाकाहारी थे और किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से दूर थे। उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला शुरू की जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया। रमन वैज्ञानिक चेतना की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने आसपास बिखरी चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने की प्रेरणा दी।